दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल जोगन रघुवंशी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको फिर से एक बार खेतों पर ले कर चलता हूँ और सरसों की फसल का दृश्य मैं आपको दिखलाऊंगा। दोस्तों और भी कई फसलों की किस्में आपको मैं दिखलाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार किसान की फसल होती है और कैसे मेहनत किसान करके अपनी फसल को तैयार करते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं और थोड़ी दूर हमारा खेत है, वहाँ पहुँच करके मैं आपको सरसों के खेत में लेके चलता हूँ और वहाँ जाकर सरसों की फसल दोस्तों आपको मैं दिखलाने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। यह देखिए दोस्तों, यह सरसों जो होती है वो पंजाब और हरियाणा में इसकी साग बड़ी फेमस है। दोस्तों यह सरसों दी साग और मक्के दी रोटी पंजाब में बहुत ही फेमस है। दोस्तों ये है वही सरसों है, आप देख सकते हैं, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और अब मैं आपको कुछ और फसलें दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं चारों तरफ किसान के खेतों में कितनी सुंदर हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। दोस्तों देखिए मैं आपको, दोस्तों देखिए आप, यह मसूर की फसल है। यह मसूर इस तरीके की होती है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अभी इसमें फूल है और अभी इसमें फसल पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। दोस्तों देखिए यह मसूर की फसल होती है, आप इसको देख सकते हैं। खेतों पे इस समय चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आती है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों और यह फसल दोस्तों कलौंजी की है, जो इस तरीके की होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं यह कलौंजी है, देखिए दोस्तों यह होती है, थोड़ी धनिया से मिलती जुलती इसकी पत्तियां होती हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों, यह देखिए यह कलौंजी होती है। दोस्तों आप यह देख सकते हैं, यह गेहूं की फसल है और 37-40 किस्म की है गेहूं की फसल होती है। दोस्तों इसमें किसान भाई चार पानी लगाते हैं तब जा कर के यह 14 से 15 क्विंटल बीघा का एवरेज देती है। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी किस्म के गेहूँ हैं, ये देखिए दोस्तों। और दोस्तों यह जो है चना की फसल होती है, दोस्तों देखिए यह चना होता है, यह फसल जो है चना की है। दोस्तों देख सकते हैं आप, यह देखिए है।